चाहिए तुम हमसे कुछ मांग लो। तो हनुमान जी ने कहा था, हे प्यारे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज जो मांगता है ना उसे बड़ी टेंशन हो जाती है। सीता जी कहने लगी, ऑफर आओ वो है कुछ ले लो, आज भी बड़े खुश हैं, का पता आज तुमने ना मांगे पाओ तो फिर ना मिले पाओ। तो बोले हमें मैया का छुना चाहिए। अरे श्री राम जी बोले जो भी पद लेना है तुम हमसे ले लो। हनुमान जी बोले ये मत कहना, क्योंकि महाराज जहां पद होता है वहां मद जरूर होता है, जहां पद होगा वहां मद अहंकार अपने आप आ जाता है, इसलिए पद मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले बताओ तुम्हें कहां की गद्दी दे दूं। बोले ये गद्दी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जितने जो गद्दी वाले हैं ना इतने सब भूत बन जाते हैं। बोले क्यों? बोले अब तुम दिल्ली में चले जाओ, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य सब भूत बन गए, तो हमें भूत ना बनने। और तुमने भूतपूर्व प्रधानमंत्री सुने हुए हैं, मुख्यमंत्री सुने होंगे, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुने होंगे। क्योंकि कहते हैं ना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल भविष्य और आने जो भी था प्रेजेंट में है और रहेगा। महाराज ये जो है वो श्री रामचंद्र और कृष्णचंद्र ये कभी जाने वाले नहीं है, हमेशा रहेंगे। तो कहा है महाराज पद नहीं चाहिए मुझे। अरे तुम डबल मांग लो। हाँ हनुमान जी बोले ये सही है, मुझे डबल चाहिए। सीता जी बोली कहा कह रहे हो, अबे तो एक होना चाहिए तो डबल चाहिए, क्या बात है? बोले हाँ महाराज हमें डबल चाहिए। बोले कहा चाहिए? बोले हे प्रभु अगर देना है तो आप मुझे एक चीज दे दो। क्या? पद ही तो देना है। बोले हाँ हाँ पद देना है। बोले अगर पद देना है तो आप अपने दोनों पद मुझे दे दीजिए। पद माने चरण। बोले अगर पद देना है तो आप दोनों पद अपने मुझे दे दीजिए। जो ये बात कही सीता जी भाग पड़ी। बोली क्या कर रहे हो? अरे पति के चरणों पर तो पत्नी की हर आन पान शान होती है, आप ये पद नहीं मांग सकते। हनुमान जी बोले ठहर जा पगली, आज एक भक्त के आगे पत्नी हार गई, मुझे भक्त सबसे प्यारे हैं। तो आज भी जहां राम के मंदिर बने होंगे, जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां हनुमान जी की मूर्ति जरूर होगी। और कहां पर? बराबरी पर नहीं, एक साइड से बैठे होंगे, और वो भी उनका ध्यान भगवान के चरणों पे होगा, इधर उधर नहीं, इधर उधर ध्यान नहीं मिल सकता। भगवान के चरणों पे ध्यान होगा और दुनिया से कहेंगे कि भैया दुनिया के जंजालों से छूट और भगवान के चरणों पे ध्यान लगा दो। प्रभु राम और कृष्ण के भक्तों के चेहरे पर चमक अलग होती है, क्योंकि जो झाड़ फूंक वाले होते हैं ना भूतों को भगाने वाले, उनका चेहरा एकदम फूला हुआ होगा भूत की तरह, और जो श्री रामचंद्र और कृष्णचंद्र के पुजारी होंगे ना उनके चेहरे पे अलग ही अंदाज होता है। तो भैया सीता जी ने कहा है मैया गौरी से, और तुम्हारे जैसी पूजा ना करती। जी गाना ना गाए।